दिनानी। वेलकमिंग यू टू मैग्नेट और अब हम देखने वाले हैं द पोयम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स जो कि आपके चैप्टर थ्री टू तो स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में गिवन है नाउ दिस इज अ वेरी फन पोयम ह्यूमरस पोएम और एट द सेम टाइम बहुत ईजी पोएम है कुछ वर्ड्स हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट हैं बट वो अभी क्लियर हो जाएंगे उसके अलावा ये पोएम बहुत ही ह्यूमरस बहुत ही कॉमिकल पोएम है तो आपको बड़ा मजा आने वाला है पढ़ने में ठीक है अब ये पोएम जो है लिखी गई है पोएट कैरलिन वेल्स के द्वारा एंड दिस इज अफुल पोएम विच टेल्स यू की अगर आप कभी किसी फॉरेस्ट में जाओ और आपको पता करना है कि भाई ये एनिमल कौन सा एनिमल है तो उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पोएट ने हमें इस पोयम में बताया क्लियर अब जैसे कि एशियाटिक लायन हो गया बंगाल टाइगर हो गया और आपको शायद बेयर के बारे में बताया गया है राइट right? केमिलियन के बारे में बताया तो आपको बहुत ब्यूटीफुली यू नो एक ह्यूमरस वे में डिस्कशंस किए गए हैं यहां पर और डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरीके से आप एक एनिमल को फाइंड आउट कर सकते हो कि वो कौन सा पर्टिकुलर एनिमल है तो आई होप आप बहुत एक्साइटेड हो इस पोएम के लिए तो शॉर्ट में समरी तो यही है कि भाई बहुत डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात हुई है इस पोएम में कि अगर एशियाटिक लैंड के बारे में आप ये ये डिस्क्रिप्शन देख पाते हो तो डेफिनेटली दैट अगर एक कोई एनिमल है जो आपको खा जाता है तो आपको फिर बाद में समझ आ जाएगा की भाई वो एक बेंगाल टाइगर है तो दिस इज वेरी फन राइट खाने के बाद पता थोड़ा चलेगा वी आर डेड तो ये इतनी यू नो ह्यूमरस वे में आपको पोए में डिस्क्राइब किया गया है बाय द पोएट कैलिन वेल्स आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू सी दीट पोयम आई होप आप भी बहुत एक्साइटेड हो कि पोएम में एक्चुअली क्या बताया जाए उसके पहले भाई हम अपने पोएट के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं क्योंकि उनकी वजह से ही हमारे चेहरे पर स्माइल आने वाली है आफ्टर रीडिंग दिस पोएम ऑल राइट तो भाई पोयम लिखी गई है कैरलीन वेल्स के द्वारा जो कि हैं हमारी पोएट कैरलीन वेल्स शी इज अ ब्यूटीफुल लेडी नाउ शी वाज बोर्न इन 1862 एंड अनफॉर्चूनेटली डाइड इन 1942 वाज एन अमेरिकन राइटर एंड पोएट बोर्न इन रेवे न्यू जर्सी तो ये न्यू जर्सी में बोर्न एंड ब्रॉट अप हैं और ये एक अमेरिकन राइटर है नाउ दिस ह्यूमरस ह्यूमरस यानी कि बहुत ही मजेदार यू you नो know, बिल्कुल जिसमें हंसी आ जाए उसे आप कहते हो ह्यूमरस सो दिस ह्यूमरस पोयम सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई और टेल

जो जंगल्स है वहां पर जाते हो एंड इफ देर शुड टू यू एडवा बीच और वहां आपको दिखाई दे एक बड़ा टोनी टोनी का मतलब क्या होता है ऑफ एन ऑरेंज ब्राउन और येलोश ब्राउन कलर ठीक है या तो ऑरेंज ब्राउन के टाइप का कोई कलर मिक्सचर का या फिर येलोइश ब्राउन जो कलर होता है उस कलर को आप कहते हैं टोनी तो यहाँ बोल रहे हैं नो इट इज द एशियन लायन यानी कि आपके सामने अगर ईस्ट के जंगल्स में एक कोई बड़ा सा क्रीचर आता है जिसका कलर या तो येलोइश ब्राउन या फिर ऑरेंज ब्राउन टाइप का है और दैट एनिमल रोर दहाड़ता है आप पर जब आप ऑलमोस्ट मरने वाले हो यू आर तो फिर आप बोल सकते हो मरते मरते थोड़ा सा बोल सकते हो ब्राउन ऑरेंज ब्राउन को बहुत ज्यादा डार्क डार कलर हो जाता है उस तरीके का इनका कलर है तो ये हो जाते हैं टोनी इन कलर क्लियर तो इस तरीके से एशियाटिक लाइन का डिस्क्रिप्शन हमको गिवन है फर्स्टा में अगर आप ईस्ट के जंगल्स में बाय चांस जाते हो वहां आपको एक बड़ा सा एनिमल क्रिएचर दिखता है जो कि आप पे रोर कर रहा है जो कि थोड़ा ऑरेंज ब्राउन या फिर येलो ब्राउन टाइप का कोई कलर का है एंड आप जब डाय कर रहे हो तो आप उसको रोर करते हुए देखो और आप बोल पाओ कि हाँ भाई ये क्या है एक, एक एशियाटिक लाइन ऑल नेक्स्ट

बीस्ट जो कि दिखने में तो बड़ा शांत सा प्यारा सा है बट है क्या बहुत ही खतरनाक सा बिल्कुल यू नो बीस्ट टाइप का विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड जिसके येलो ग्राउंड का मतलब उसकी येलोइश बॉडी होती है ग्राउंड मीन बैकग्राउंड यानी येलोइश टाइप का बैकग्राउंड होता है बॉडी का स्किन कलर और उसपे ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स यानी कि धारियां बनी हो जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू और अगर वह आपको खा जाए दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बेंगाल टाइगर टू डिसन और वो आपको जब खा जाए तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये और कोई नहीं ये कौन है ये एक बंगाल टाइगर है डिसर्न मीन टू आइडेंटिफाई यानी कि यू कैन आइडेंटिफाई कि हाँ भाई ये एक बंगाल टाइगर है यानी आपने देखा कि एक यू you नो know, अच्छा सा नोबल सा दिखने वाला वाइल्ड बीस्ट जो है आपके सामने आ रहा है जिसका येलोइश बैकग्राउंड है स्किन का उस उसपे ब्लैक स्ट्राइप्स हैं और वो आपको खाने ही वाला है तब आप बोल सकते हो अरे ये तो क्या है एक बंगाल टाइगर ऑल चलिए देखते हैं नेक्स्ट एनिमल इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ बीस्ट यू स्ट्रोलिंग यानी की वॉक इन अनि की ऐसा होता है ना कि जब कुछ यू नो इम्पोर्टेंट नहीं होता तो आप बढ़िया से आराम से टहलते हुए तो अगर आप जो जंगल में बिल्कुल आराम से, leisurely जो हो, walk कर रहे हो यू आर स्ट्रोलिंग फोर आपको फिर से एक दूसरा क्रीचर दिखता है will do no good to roar with pain he'll only lap and lap again. Kya likha hai? Ki whose hide with spots is पेपर यानी कि उसकी जो ये स्किन है, है तो उसके ऊपर कलर के स्पॉट है ठीक है आपको दिख रहा है एज सुन एज लेफ्ट ऑन यू और जैसे ही वो आप झपटता मारता है आप विल नो इट इज द लेपर और जैसे ही वो आपको पकड़ लेगा आपको समझ आ जा जाएगा अरे भाई ये तो क्या है एक लेपर न no और कोई मतलब नहीं होगा अगर आप जो हो रो भी रहे होे कि भाई मुझे छोड़ दो लेपर्ट को बोलोगे वो करेगा क्या वो आपको और जोर से पकड़ेगा एंड फाइनली ही विल टू तो अगर आप जंगल में यूनो you know, आगे बढ़ते हो और वाइल्ड बीस्ट दिखता है और मतलब नहीं है रोने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि जितना चिल्लाओगे रोगे वो उतना ही जोर से आपको यू you नो know, पकड़ेगा एंड ही वु लेपेड का डिस्क्रिप्शन भी हमको क्लियर है

You know, animals से मिलते हो who hugs you very, very hard. जो आपको बहुत जोर से यू नो गलेता है बी श्योर इट इज अर जैसे ही वो बहुत जोर से आपको गले लगा समझ जाना भाई ये और कोई नहीं ये क्या है एक भालू है एक बेर है बी श्योर इट इज अ बेर इफ यू हैव एनी डाउट और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो कि यार ये सच में बेर है या नहीं विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर एस केयरस यानी जेंटल लविंग Touch. और वो उसी वक्त आपको जो है बहुत प्यार से एक टच देगा हो सकता है हाँ पर जो है वो बोल रहे हैं तो हिट तो है तो आपको भालू की भाई है। जैसे ही आप जाओ और आपको बहुत जोर से कोई क्रीचर हक कर दैट मीन इट इज आर बैर अ टेडी बैर क्लियर ऑल राइट डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे A novice might non-plus. The the crocodile you always may tell from Hyenas haina come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. अब यहाँ पर comparison हो रहा है hyena और crocodile के बीच में hyena and क्रोकोडाइल अब दोनों ही क्या करते हैं भाई दोनों की बातचीत हो रही है कि अपने प्रे वगैरह जो भी है पकड़ने की बात होती है बट अगर आपको कंफ्यूजन हो तो कैसे कंफ्यूजन दूर करोगे कि कौन सा हाइना है कौन सा क्रोकोडाइल है ठीक है तो क्या लिखा है डिस्टिंग्विश करना क्या है अ नोविस माइट नॉन प्लस इसका मतलब क्या है नोविस यानी समवन न्यू टू अ जॉब एंड नॉन प्लस मींस पजल्ड कंफ्यूज और सरप्राइज यानी कि ऐसा हो सकता है कि भाई जैसे कोई नया काम पे आता है ना तो कंफ्यूज हो जाता है भाई मुझे क्या करना है क्या नहीं करना आप धीरे धीरे सीखते हो काम पे जाते हो तो तो फर्स्ट डे एक जैसे कुछ नहीं आता नया नया होता है अपनी जॉब पे लगता है तो कैसे कंफ्यूज होता है वैसे ही आप अगर जाते हो कहाँ पर फॉरेस्ट में जंगल में और वहां आपको हाइना और क्रोकोडाइल दिखते हैं तो हो सकता है आप डिस्टिंग्विश करने में थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना

है या क्रोकोडाइल है तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि अगर वो एनिमल वो क्रिएचर हंसते हुए आता है एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ आता है तो वो होगी हाइना बट अगर वो रो रहा है इट्स वी तो फिर वो हो जाएगा आपका क्रोकोडाइल क्लियर ऑल राइट The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He has not any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree,

नहीं होते हैं एंड नॉट विंग और ना ही उसके पंख होते हैं इफ there इज नथिंग ऑन द ट्री और अगर आप पेड़ देख पा रहे हो और पेड़ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा इसका मतलब वहीं पे क्या है कमेलियन है टिस का मतलब होता है इट इज ठीक है तो टिस क्या है यानी इट इज अ कमेलियन क्यों क्योंकि देखो कमेलियन का क्या पावर होता है देखो अभी नॉर्मली देखो तो ये रियल कलर है उसका बट धीरे धीरे वो अपने कलर्स जो है वो चेंज करता जाता है और ट्री का जैसा भी कलर हो अगर वो लीव्स पे है तो वैसा कलर हो जाएगा अगर वो यू नो ब्रांचेस पे है तो वो उस कलर का हो जाएगा तो आपको दिखेगा ही नहीं राइट तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि अगर आप जाते हो आपको दिखता है एक ट्री बट ट्री पे आपको कुछ नहीं दिख रहा इसका मतलब वहीं पे आपका कमेलियन प्रेजेंट है क्लियर तो बहुत ब्यूटीफुली पर है ना ऑफ डराया है पोइट के द्वारा कि आपको कुछ नहीं दिख रहा ट्री पे मतलब इसके मतलब भी पर केमेलियन है गिरगिट है क्लियर क्यों क्योंकि उसने अपने आप को हाइट कर लिया है वहाँ पर उस कलर के थ्रू डन सो so, इस तरीके से हमारे पोएट कैरलिन वेल्स ने बहुत ही यू नो कॉमिक वे में ह्यूमरस वे में एक छोटी सी क्यूट सी पोएम लिखी है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स के डिस्क्रिप्शन गिवन है कि आप कैसे पता करोगे भाई कि वो जो एनिमल है क्रीचर है वो एशियाटिक लाइन है वो बेंगोल टाइगर है वो एक बेर है क्रोकोडाइल है हाइना है या फिर हमारा कमीलियन है सो आई होप आप किसी भी जंगल में जाओगे तो इस पोएम को ध्यान में रखना और फिर आपको पता चल जाएगा भाई वो क्रीचर कौन सा है ऑल चलिए तो हमें पूरी पोएम क्लियर हो चुकी है Okay.

so you will be identify, you will be able to identify them okay why the way they eat you

एंड क्रोकोडाइल फ्रॉम इट्स वीपिंग और यहाँ आगे जाके हमें क्या बताया है पोइट ने कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो एक बेर है अगर वो आपको बहुत जोर से हक देता है तो वो एक बेर है ठीक है नेक्स्ट अगर आपको एक एनिमल क्रीचर दिखता है जो हंस रहा है तो वो हाइना है और अगर आपको रोते हुए वीप करते हुए टीयर्स के साथ एक एनिमल दिखता है तो वो कौन है एक क्रोकोडाइल फ्रॉम इट्स व्हीपिंग वाइल स्वेलोइंग इट्स विक्टिम और जब क्रोकोडाइल की बात यहाँ आगे अगर हम डिजाइन जाए डीप में तो ये बोला गया जब वो अपने प्रे को खा रहा हो ठीक है और वो रो रहा हो तो वो क्रोकोडाइल है और अगर वो हंसते हंसते खा रहा हो तो वो हो सकता है हाइना हो इफ यू सी नथिंग ऑन द ट्री देन देर इज अ कमेलियन एज इट हैज क्वालिटी टू चेंज इट्स कलर अकॉर्डिंग टू इट्सराउंडिंग्स और अगर आपको ट्री पे कुछ नहीं दिख रहा है फॉरेस्ट में तो डेफिनेटली वहां पर एक केमेलियन है गिर गिट है क्यों क्योंकि उसमें केमोफ्लैच करने की एक ताकत होती है साइंटिफिक टर्म है केमोफ्लैच अपना कलर चेंज कर लेना प्रे को पकड़ने के लिए तो ये जो केमिलियन होते हैं लेकिन चेंज द कलर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स तो ट्री पे बैठा होगा तो ट्री जैसा कलर हो जाएगा बाग जैसा ब्रांचेस जैसा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई वहां पर एक केमेलियन बैठा है ऑल राइट So this humorous poem suggests some dangerous ways to identify wild animals the poet says that if the roar of an animal is so fearsome that you feel like you are dying then you can be sure that you are near a Asian

यू। और अगर आपको ऐसा दिखता है कोई एनिमल जिसपे ब्लैक डॉट्स बने हुए हैं और वो आपके ऊपर पाउंस करता है आपको झपटता मारता है आपको खाने की कोशिश करता है और कितनी भी कोशिश करो रोने की कि भाई छोड़ दो और वो ना छोड़े आपको खाने की पूरी कोशिश करे तो आप बोल सकते हो ये और कोई नहीं ये क्या है एक लेपर्ड है सो बी केयरफुल एंड डोट अलाउ इट टू लीप ऑन यू और आपको ऐसा समझ आ जाए कि भाई ये एक लेपर्ट है तो उसको प्लीज अलाउ मत करना अपने ऊपर लीप करने के लिए आपके ऊपर पाउंस करने के लिए क्योंकि अल्टीमेटली जब तक आपको अटैक नहीं कर लेगा खा नहीं लेगा वो चैन से नहीं बैठेगा ऑल राइट बेर्स कैन गिव हर रियली टाइट हल दो अ फ्रेंडली हज रेफर्ड टू एस Bear hug. और जो बस होते हैं भालू होते हैं बट है, जनरली हमर हको फील काले लगाएगा तो वो फ्रेंडली नहीं होगा भाई वो तो डेफिनेटली अटैक करने के लिए होगा एक एनिमल है वो कुछ एनिमल्स जो है वो अपने के लिए फेमस होते हैं जैसे हाइना कैसे चलिए देखते हैं For example, a laughing hyena's voice resembles humans' laughing sound. जब भी कोई हाइना हंसती है अगर वीडियोस अगर आपको कभी देखने को मिले तो हाइना जब हंसती है तो ऐसा लगता है कोई इंसान के हंसने की आवाज है तो आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो हाइना है नेक्स्ट अ क्रोकोडाइल इज सेट टू शेड टीयर्स ईटिंग इट्स प्रे और ऐसा कहा जाता है कि जब क्रोकोडाइल अपना प्रे खा रहा होता है अपना शिकार खा रहा होता है तो उसके आंखों से आंसू निकलते हैं जो कि नकली होता है ऐसा नहीं होता आई थिंक साइंटिफिकली कुछ और ही रीजन है कुछ लिक्विड वगैरह होता है जो क्रोकोडाइल की आंखों से बहता है उसे हम कहते हैं कि वो क्रोकोडाइल टीयर्स है सो डोंट व वेट फॉर अना टू लाफ और फॉर अ क्रोकोडाइल टू वीट तो वेट मत करना भाई कि हाइना जो है हंसे क्यों क्योंकि हाइना अगर आपको पकड़ लेगी तो हंसेगी और क्रोकोडाइल के लिए भी वेट मत करना कि वो रोए क्योंकि आपको खा रहा होगा तभी वो रो रहा होगा और केमेलियन और गार्डन लिज़र्ड इज एन एक्सपर्ट एट

एज इट चेंज इस कलर एज पर इट सराउंडिंग इट इज डिफिकल्ट टू सी ऐसा क्यों क्योंकि जैसे ही वो अपनी कोई भी सराउंडिंग में आता है वो ट्री पे बैठा हो फ्लोर पे बैठा हो किसी भी बैठा हो वो उस तरीके से अपना कलर चेंज करने की क्षमता रखता है दिस कैपेसिटी ऑफ केमोफ्लाज हेल्प द लिजर इन सेविंग इट फ्रॉम हंटर्स और ऐसा होता क्यों है क्योंकि इसको अपने यू you नो know, शिकारी से बचना होता है अगर कोई ऐसा एनिमल है जो इसको खाना चाहता है केमिलियन को तो ये अपना कलर चेंज कर लेता है ताकि उसको ये दिखे ही ना और इसकी लाइफ बच जाए तो अगर आपको ट्री पे ऐसा लग रहा है कुछ नहीं है तो हो सकता है वहां पर कैमेलियन हो जिसने अपना कलर अकॉर्डिंगली चेंज करा है क्लियर ऑल राइट

की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय